हे हाय, दिस इज दिल लगी महादेव। सो अगर आप ऑप्शनल बायर हो, ट्रेडिंग करते हो, स्पेसिफिक आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है। क्योंकि देखो, आप ध्यान रखना, कभी भी आप बाइंग कर रहे हो तो आपका हैसल हिट होता है तो आपका सेल होता है, राइट। तो सेम थिंग अगर आप सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, बड़ा जो सेलर है, 4, 5, 6, 10 हज़ार क्वांटिटी वो सेल करता है, तो उसका हैसल हिट होगा तो उसको बाय करना पड़ेगा, और वो बाय करेगा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम आज वैसा हमने एक ट्रेड पकड़ा जो अच्छा मोमेंटम दिया है। लेट्स कम, दिखाता हूँ। सी, देखो ये अपना सेलिंग पॉइंट था। सेलिंग पॉइंट पे यहाँ पे हैसल हिट हुआ। किसका हिट हुआ यहाँ पे एसएल? देखो ये अगर अब मार्केट नीचे है तो सेलर का एसएल यहाँ पे होगा, तो सेलर का एसएल एक बार एक हिट हुआ तो मार्केट में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला रहेगा। ये देखो, जैसे सेलर का एसएल हिट हुआ और मार्केट एकदम मोमेंटम में आ गया। तो सेम चीज़ें आपको, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेलर के एसएल पे हिट करता है ना, तब आपको रखना है। जहाँ पे सेलर का एसएल हिट हुआ वहाँ पे बायर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने का। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आओ साथ मिलकर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। महादेव।